आज का वीडियो है फॉर फ्यूचर ऑफ री इशू, एक चैप्टर है जिसका लॉन्ग में क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन एक बार पढ़ रहे हैं, मिला लीजिए अपना अपना। गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर एंड ओपन शेयर फॉर फिटेड अकाउंट। एक कंपनी है लिमिटेड जिसका नाम है, लिखा हुआ है 470 शेयर, 470 इक्विटी शेयर। एक शेयर का दाम कितना है? 10 रुपये। और एक शेयर का दाम 10 रुपये है, उसमें प्रीमियम इंक्लूड है, और प्रीमियम का अमाउंट कितना है? 5 रुपये। ठीक है, आ जा। प्रीमियम का अमाउंट है 5 रुपये, और 5 रुपये प्रीमियम में ध्यान यहां देना है आपको। देखो साइड में थोड़ा सा समझा रहे हैं, शेयर कितने का है जी? 10 रुपये, है ना। अब प्रीमियम का अमाउंट कितना है? 5 रुपया। और ये प्रीमियम किस में इंक्लूड है? अलॉटमेंट में, यानी टोटल कितना हो गया? 15। अब क्वेश्चन कह रहा है आगे कि 470 शेयर तो है, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 8 रुपया पर शेयर। अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं मिला? अलॉटमेंट का 8 रुपया नहीं मिला, तो अलॉटमेंट का 3 और 5 रुपया किस चीज का? प्रीमियम का। ये प्रीमियम वाला 5 रुपया, ठीक है। दोनों मिला के क्या बोल रहा है? अलॉटमेंट का 8 रुपया क्या है? एक तरह का ड्यू है। क्वेश्चन समझिए पहले, नहीं मिला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर एल लिमिटेड। शुरू में लिखा हुआ गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, लॉन्ग में, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन, पेज नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 10। मिला लीजिए, मिला क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि वहां 1 से 10 कई बार शुरू है, 3 बार शुरू है, सबसे लास्ट वाला 10 देखो, देख लिए। 470 शेयर है, एक शेयर का दाम 10 रुपये है, 5 रुपया प्रीमियम है, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 8 रुपये पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपये पर शेयर। देखो अंदाजा कैसे लगाना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट कितना है बताओ? 5 रुपया। अच्छा 5 रुपया तुम यहां ले रहा है भाई, 3 रुपया तुम यहां ले रहा है, और शेयर का दाम कितना है? 10। इसका मतलब तुम अंदाजा लगा लो कि एप्लीकेशन का रेट क्या रहा होगा? 2। क्लियर हो गया? यानी सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है, पार्टी किसका पैसा दिया है? सिर्फ एप्लीकेशन का, और अलॉटमेंट का प्रीमियम के साथ क्या है? तो क्या फॉर फ्यूचर करते समय इसका एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम का करेंगे? हाँ होगा, होगा। चलिए आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 10, जो भी जिसके बुक में जो भी नंबर है वो नंबर लिख लीजिए। यहां जो सामने मेरे पास बुक है इसमें एल लिमिटेड फॉर फ्यूचर 470 शेयर है, तो जर्नल एंट्री आपको पता है क्या लिखते हैं हम लोग? शेयर कैपिटल, फॉरफिटेड का जर्नल एंट्री सबको याद है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अकाउंट डीआर, 470 शेयर है, 470 फॉर 70, एक शेयर का दाम कितना है भाई? 10। तो कितना रुपया हो गया आप बताइए? टोटल 4700 हो गया। अब सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 470 शेयर का अगर 5 रुपया करके प्रीमियम आप लीजिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए? 0, 5, 7, 35, हाथ में 3, 5, 6, 20 और 3, 23, 2350 रुपये। ठीक है, अब ड्यू कहाँ कहाँ है? तो बोलो टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में ड्यू है, अलॉटमेंट अकाउंट कितना कितना ड्यू है? बोलिए अलॉटमेंट में तो टोटल मांगा गया है सर 8 रुपया, तो 470 × 8 कितना ड्यू रहा होगा बताओ? 8, 7, 56, 5, 8, 6, 32 और 5, 37, 3760 ड्यू रहा होगा। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यहां कितना ड्यू रहा होगा? 470 शेयर का रेट क्या है? 5, तो 470 शेयर एट द रेट ऑफ ₹5, तो 50 लिखो, 5, 7, 35 हाथ में 3, 5, 6, 20 और 3, 23, मतलब टोटल अमाउंट हमको कितना मिलना चाहिए? यहां जोड़ो अलग से, 4700 और 2350 टोटल मिलना चाहिए था, 7, 3, 10, 0 हाथ में 1, 4, 2, 6, 1, 7 ही मिलना चाहिए। ये दोनों अमाउंट क्या है?
ड्यू, कितना ड्यू है जोड़ के बताइए, 0, 6, 5, 11 हाथ में 1, 7, 3, 10, 11 हाथ में 1, 3, 2, 5 और 1, 6 ये अमाउंट ड्यू है। लेकिन तो 5 में 1, 4, 10 में 1, 9 यानी 940 रुपया ही हमको मिला है। कितना मिला है? अब इसका अंदाजा कैसे लगाएंगे? बोलिए सर ये एप्लीकेशन का रेट 2 रुपया है और 470 शेयर का मिला होगा तो यही वाला सिर्फ मिला होगा क्या 940। एकदम क्लियर हो गया। अब आप यहां नरेशन लिख दीजिए, बीइंग 470 शेयर फॉरफिटेड हो गया। चलिए ये हो गया। जब अब आपको ये अंदाजा लगाना है कि 470 शेयर में हमको कितने का फायदा हो रहा है, 940 रुपए का, इतना याद रखिए। और दोबारा कितना शेयर रीइश्यू कर रहे हैं पढ़ के बताइए, 60। तो 60 शेयर में कितने का फायदा हुआ होगा, ये सब तो पता है आपको। तो ऐसे लिखिए 60 × 940 / 470, दो बार में इधर कट जाएगा, 120 रुपए का फायदा हुआ। और यही 120 रुपया ट्रांसफर हो जाएगा कहां, क्यों, क्योंकि आगे का शेयर कम में नहीं बिक रहा है जो एडजस्ट करना है, ज्यादा में बिक रहा है। तो ज्यादा में बिक रहा है तो एंट्री कैसे करेंगे, आइए लिखिए यहां बैंक अकाउंट डेबिट, कितना में बिक रहा है 60 शेयर 14 रुपया, लिखिए यहां बैंक अकाउंट डेबिट 60 शेयर बिक रहा है कितना करके, 14 रुपए करके, 14 × 6 कितना होता है 84 होता है ना जी, 840 टू शेयर कैपिटल। आपको ये अंदाजा लगाना है कि शेयर तो सर है 10 रुपए का, तो हाँ हम भी बोल रहे हैं शेयर 10 रुपए का है, तो ये ज्यादा क्या ले रहा है, बोलो ज्यादा ले रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम का, 60 रुपया में कितना रुपया ज्यादा लिया, 4 रुपया, 6 × 6 = 24 यानी 240 रुपया किस चीज का लिया हो, प्रीमियम का। ये एंट्री करके रीइश्यू वाला दिखा देना है, नरेशन लिखना है बीइंग रीइश्यू 60 शेयर एट द रेट ऑफ ₹14 ईच, ऐसा लिख दीजिएगा ठीक है। और लास्ट में फॉर फ्यूचर अकाउंट डीआर शेयर फॉर फ्यूचर लिखिएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व कितना, 120। देखिए तो आंसर है आ गया। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर जिसका जो भी है, और इसको ग्रुप में डाल दीजिए जो नहीं आए हैं उनको मिल जाए। जल्दी कीजिए मिटा देंगे, फोटो लीजिए, बैठ के लिखने से देर हो जाएगा, मिटा दें। डिबेंचर स्टार्ट करें अभी, रुकें ग्रुप में आ जाएगा, कहाँ देखेंगे तो अभी खींचे ना आप दीजिए, वो लिखेगा तब तक मिटा करेंगे। मिटा रहे हैं, मोबाइल खाली इंस्टा रील देखने के लिए रखा है क्या, रुकें, कुछ नहीं रुकेंगे, जो खींचा है उसको डालने दें। फिर से स्टार्ट कर ले रहे हैं, नहीं तो फिर दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे।